बी तुम उनका सब पछाड़िया लाल ना याग जो लो हाल जब तो मैं वीडियो बनाता हूं तभी तो पूरी आप से काटो ना इसी को काटो थाने कुछ पावा काटो पहली बे काम दगड़ा करन हला ना तुम तुम हस दगड़ू भी मी दगड़ू पक्क दगड़ू सब पर तुम हस द गाले गरीब है पर सब मेरा दगड़ू भी आ रहा अच्छा इनरा दगा लागुने भी मी बैठ बैठ के होना ना अरे तो इनको बोलते हैं, वैसे इनका नाम रेवती है लेकिन सभी लोग इनको प्यार से रियावदी रियावदी करके बुलाते हैं। इन्होंने यहाँ पे हमारी सासू माँ और चाची लोगों के साथ सभी के साथ पहले से बहुत सारा काम किया हुआ है, अभी भी ये बहुत सारा काम करती हैं। हमारी जो घर का जो आंगन है उसे अभी ये साफ कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी घास हो रखी है, इन्हीं को ये घास दे रखी है, वैसे यही काटते हैं अपनी गाय बच्चियों के लिए। अरे वाह पूरा निकल गया वो। तो आप सभी को मैंने रियाबदी की बातें सुनाई, अब शाम के बज रहे हैं 4:30 और हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए अभी। अभी और बढ़ सकते हैं, फिर मुझे ऐसे देखना पड़ेगा इनको। तो ये वाला है हमारा घर, हम यहाँ से यहाँ घूमने के लिए आए हैं ऊपर को रोड की ओर, और ये है बिमला भाभी का बचिया, छोटा सा बेबी क्यूट सा बचिया। बिमला भाभी ने तो बहुत अच्छा कारोबार कर रखा है इधर, और इनके पास एक कुत्ता भी है। तो बिमला भाभी और रियाबदी और मेरी सासू माँ सभी ने साथ में पहले से ही काम किया हुआ है। आज शनिवार है इस वजह से हम लोग इनके घर पे नहीं जा पा रहे हैं, हम लोग अभी रोड में जा रहे हैं। रोड से नीचे को देखो तो सबसे पहले बिमला भाभी का घर ही दिखता है। ये है हमारी बिमला भाभी जी, मैं इनको ही ढूंढ रही थी ब्लॉग में डालने के लिए। आपकी बछिया भी डाल दी मैंने ब्लॉग में। क्या कर रहे हो आप? बनाओ फिर बनाओ, हम भी पियेंगे चाय। ये वाला घर भी आपका है? ये भी हमारा है। और ये किचन है ना? ये किचन है। आग जलाते हो इसमें? इसमें आग नहीं जलाते। अच्छा, आग अंदर है। तो दीप जी का कहना है कि बिमला भाभी एक इकलौती भाभी हैं पूरे गांव में। कितनी अच्छी बागवानी इन्होंने यहाँ पे कर रखी, और नीचे लगे हैं टमाटर, और ये है माल्टा का पेड़, साथ में लगाए हैं मक्के के पेड़, बैगन के पेड़, मिर्च, पूरा मिक्स है इसमें। 4 लूटे बचे हैं इनके अभी। बहुत ही अच्छा सुंदर सा नज़ारा है यहाँ से। पिरुल इकट्ठा करके बिमला भाभी ने इतना सारा रखा हुआ है गाय बच्चियों के लिए, इसमें सोने के लिए होता है। तो इतनी मेहनती बिमला भाभी हैं, बहुत अच्छा कारोबार इन्होंने यहाँ पे जमाया हुआ है ना चाची? हम बाहर से बैठेंगे और वो हमारे लिए बना के लेके आ रही हैं। कौन सी वाली चाय? दलबल वाली। दलबल नहीं, दुड़बुड़ चाय। हाँ, इन्होंने अपना पुराना घर भी वैसे ही रखा हुआ है, सामने बनाया है नया घर, क्योंकि पुराने घर का जो लुक होता है।
वो बहुत ही बेहतरीन होता है, इस वजह से उन्होंने बहुत ही अच्छा किया हुआ है। जो पुराना लुक है ना वो कहीं देखने को नहीं मिलता। बहुत अच्छी बाकली है इनकी भी। और ये है तुरई की बेल, सामने है लौकी की बेल, और ऐसे ऐसे करके बारी बारी से आगे से इन्होंने लगाई है हर चीज की बेल। और बैगन के पेड़ भी हो रखे नीचे, भुट्टे के पेड़ भी काफी अच्छे हो रहे हैं यहाँ पे, और छोटे छोटे भुट्टे भी इसमें लगने लग गए हैं। तो इसमें लगी हुई है लौकी और चिचन, चिचन भी बहुत अच्छी होती है, इसकी सब्जी मैंने भी खाई हुई है। इन्होंने घास काट के जमा करके रखी हुई है गाय बच्चियों के लिए, ये इनका गोट है। तो हम लोग कर रहे हैं अब चाय का इंतजार यहाँ पे। चाय रख दी? आग में बना रहे हो चूल्हे में ना गैस में? अच्छा। तो बिमला भाभी ने हमारी खातिरदारी में दो चेयर लगाई हैं, टेबल लगाया है और सामने रखी है गर्मा गर्म चाय और गुड़। और चाची ने चाय का ग्लास पकड़ के वो उधर चले। और डॉगी भी देख रहा है यहाँ पे इनका। इसका नाम क्या चाची? जयपर। जयपर नाम है इसका। इसको बीमार हो रखा है आजकल, पता नहीं क्या और रखा, इसको लूत जैसा खाल निकली हुई है इसकी। वाह क्या मजा है, पहाड़ी अदरक है ना ये, बहुत अच्छा लग रहा है इसका टेस्ट। घर का ही अदरक है? हाँ घर का ही। अच्छी हो रही चाय। भाभी जी के घर पे ही नौला है, कितनी अच्छी बात है, इनको ठंडा ठंडा पानी पीने को मिल जाता है। घर के किनारे पे ही नौला है, इसे बंद करके इन्होंने रखा है, इसके अंदर से पानी है बहुत ही ठंडा, मैंने पिया बहुत ही टेस्टी मुझे लगा। मुझे पता नौले धारे ऐसे स्रोतों का पानी पीना बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद बिमला भाभी ने हमें एल्बम दिखाई, इसमें दीप जी की फोटो ये है, कैसे दिख रहे हैं दीप जी? इसमें अम्मा भी होगी हमारी ना, अम्मा नहीं थे तब, हो सकती है होंगे, क्यों नहीं होंगे। दीपू जी चलते हैं इनका। बाय 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 बाय। अब हम जाने लग गए हैं घर की ओर, चाय पानी पी के एल्बम देख के। तो अभी आ चुके हैं हम घर पे चाची के, और अबदी भी यहाँ पे चाय पीने के लिए आ गई है। घर पे आने के बाद हम मैं आपको इनके सारे कमरे दिखाऊंगी, घर का आंगन का पूरे चारों तरफ का नज़ारा ये है, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे। तो आप सभी को इनके थोड़े बहुत कमरे में दिखाती हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा घर बनाया है गांव पे ही, बेहतरीन बहुत लाजवाब घर बनाया हुआ है। ये है इनका बैठक रूम, उसके बाद है अंदर को एक और रूम है, ये है दूसरा रूम, अब आ गई हूँ मैं इनके किचन में। किचन भी बहुत अच्छा बना रखा, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, बिल्कुल मीडियम में बनाया है, बहुत अच्छा लगा मुझे किचन भी। तो मेरे ससुराल के गांव का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और कैसी लगी मेरी वीडियो और पहाड़ों का सुंदर सा नज़ारा कैसा लगा आप सभी को जरूर बताइएगा कमेंट में। और अगर पसंद आया हो मेरा ब्लॉग तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, पहला।